हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका बायोलॉजी का एजुकेटर अनुराग तिवारी और अन अकेडमी के पॉडकास्ट चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, जब भी हम अपनी नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो दिमाग में एक चीज़ हमेशा आती है कि हम पढ़ाई जो कर रहे हैं, इस पढ़ाई का रिवीजन जब करेंगे तो क्या मुझे पूरा टाइम मिलेगा, मैं अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करूँ ताकि मैं मैक्सिमम आउटपुट दे पाऊँ। और बायोलॉजी इस चीज़ में सबसे ज़्यादा हेल्पिंग है। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करता है आपकी प्रिपरेशन में। बायोलॉजी का पहला फ़ायदा कि आपको ये 50% वेटेज देता है। लाइक अगर आपने कंप्लीट बायोलॉजी बहुत अच्छे से कर ली तो आपके नीट में 360 मार्क्स पूरे पूरे भी आ सकते हैं। दूसरा फ़ायदा, बायोलॉजी आपको नीट के एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में बच्चों प्रॉपर तरीके से 40 मिनट या 45 मिनट्स में आपकी पूरी 50% सिलेबस कंप्लीट करके आपको मार्क्स देता है। तो आप इमेजिन करो कि अगर आपने 3 आर के पेपर को 3 आर के पेपर में आपने 45 मिनट्स या 40 मिनट्स में बायोलॉजी कर ली, लाइक 50% कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। अब आपके पास 2 घंटे 20 मिनट हैं सिर्फ और फिजिक्स और केमिस्ट्री को करने के लिए। तो बायोलॉजी आपको कॉन्फिडेंस देता है, बायोलॉजी आपका 50% मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों बताऊं, बायोलॉजी आपको याद करने में आसानी भी देता है। कैसे? जैसे हम आपके लिए पॉडकास्ट चैनल लेकर आए हैं, तो इस पॉडकास्ट चैनल में बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पूरे फ्रॉम ज़ीरो टू टॉप हम लोग क्या करेंगे, वर्बल भी पढ़ सकते हैं, वर्बल सुनकर भी याद कर सकते हैं। ये चीज़ आप कई बार बाकी सब्जेक्ट्स में उतना नहीं अच्छे से कर सकते हैं, बट बायोलॉजी में ये चीज़ कर सकते हैं। तो बायोलॉजी आपका टाइम भी बचाता है। आपने ईयरफोन लगाए और आपने पॉडकास्ट में सारे का सारा चैप्टर पढ़ लिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का जो चैप्टर है, दैट इज़ केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इस कंप्लीट चैप्टर को मैं सिंपल रीडिंग नहीं लगाऊंगा बच्चों, मैं अनुराग तिवारी आपको ये पूरा चैप्टर सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझाऊंगा। बस दो चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आपने ये चैप्टर पहले से पढ़ रखा है तो इस चीज़ को आंख बंद करके रिवाइज करो, सोचो कि हाँ ये चीज़ हमने पढ़ी थी, येस और नो। और अगर नहीं पढ़ा तो अपने सामने एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लो और मैं हर लाइन को आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो मेहनत से, अच्छे से, सुकून से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 22, जो कि 11th क्लास का लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम एक चीज़ बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर से पहले भी, कि न्यूरल सिस्टम सभी ऑर्गन के बीच में पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए कौन सा सिस्टम है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या बोलेंगे? न्यूरल सिस्टम। न्यूरल कोऑर्डिनेशन बहुत फास्ट है लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए है बच्चों। नर्व फाइबर बॉडी के सभी सेल्स तक पहुँच जाते हैं, जबकि जो सेलुलर फंक्शन को रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए हमें क्या करना होता है, इस बात को भी समझेंगे। हमें फिर हार्मोनल सिस्टम की मदद लेनी पड़ती है। इसको इस तरीके से समझें कि न्यूरॉन तो हर सेल तक नहीं पहुंच पाता, मैक्सिमम सेल तक पहुंचता है, वहां नर्व इम्पल्स को भेजता है, बट हर सेल तक पहुँचने के लिए वी नीड अ केमिकल मैसेंजर, वी नीड अ केमिकल सिग्नल, और वो हमारे केमिकल्स और वो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं। न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को एक साथ मिलाकर आप इंटीग्रेटिव सिस्टम बोलते हो। दोनों को कलेक्टिवली बोल दिया क्योंकि यही आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस में हेल्प करते हैं। तो न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटिव सिस्टम। ये दोनों मिलकर बॉडी की सारी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कोऑर्डिनेट भी करते हैं और रेगुलेट भी करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है पहला, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। ऐसे ग्लैंड जिसमें कोई भी डक्ट नहीं पाई जाती उसको बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, और सिर्फ इसीलिए हम इसे डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। इसके सेक्रीशंस में हमेशा हॉर्मोन्स होते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि बाकी जो आपके ग्लैंड्स हैं वो एंजाइम्स निकालेंगे, बट एंडोक्राइन ग्लैंड हमेशा हार्मोन रिलीज करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज,
हार्मोन की अगर मैं क्लासिकल डेफिनेशन की बात करूं तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं वो ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं और फिर ब्लड की हेल्प से अपने अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं, राइट? और फिर वो टारगेट ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो ये कैसे? तो एंडोक्राइन ग्लैंड के पास तो किसी भी तरह का डक्ट नहीं है, और जब डक्ट नहीं है तो वो अपने टारगेट ऑर्गन तक कैसे पहुंचेगा? वो ब्लड के थ्रू पहुंचेगा वहां पर। सो अगर मैं बात करूं हार्मोन्स की, तो वो जो हार्मोन्स हैं उनकी एक क्लासिकल साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है? उनकी एक क्लासिकल साइंटिफिक डेफिनेशन है, हार्मोन्स आर दी नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। इसका कोई न्यूट्रिशन से कोई लेना देना नहीं कि हमने हार्मोन्स को यूज किया वो कल को एनर्जी बन गया, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा हमारी बॉडी को, नहीं। दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स जो इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं। तो हमें ये दो पॉइंट याद करने हैं, पहला दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, दूसरा इंटरसेलुलर मैसेंजर्स, दे आर व्हाट? इंटरसेलुलर मैसेंजर। और ये बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। ये बातें हमें अभी तक क्लियर है। हॉर्मोन्स की अगर मैं नई डेफिनेशन की बात करूं तो उसमें बहुत से नए नए मॉलिक्यूल्स को भी कवर कर लिया गया है, राइट? अब मैं बात करूं अगर इनवर्टिब्रेट्स की, तो इनवर्टिब्रेट्स में ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये सिंपल पाया जाता है, ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में मिलता है वहां पर। जो कुछ कुछ हमारे अंदर तो बहुत से हार्मोन हैं, बट उसके अंदर कुछ कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। वर्टिब्रेट्स में कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए बहुत से केमिकल की ज़रूरत पड़ती है, तो उस केमिकल में जो वो केमिकल्स हैं वो हार्मोन की तरह वर्क करते हैं, है ना? तो यहाँ पर हम लोग ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे। आपके एनसीईआरटी में इसको टॉपिक दिया है 22.2। एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन्स जहाँ से प्रोड्यूस होते हैं या जो डिफ्यूज्ड टिश्यू या सेल प्रोड्यूस करते हैं वो कौन कौन से हैं, और वो कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ से ये चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाटिक ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस और गोनैड्स। अब क्वेश्चन आता है ये गोनैड्स क्या हैं? गैमेट प्रोड्यूसिंग जो भी ऑर्गन हैं उनको हम गोनैड बोलेंगे। अब मेल्स में वो गैमेट प्रोड्यूस करता है टेस्टिस, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मेल गोनैड। और फीमेल्स में वो गैमेट प्रोड्यूस करती हैं ओवरी, तो हम बोलेंगे उसको फीमेल गोनैड। और ये सब कुछ क्या हैं? एक एंडोक्राइन ग्लैंड हैं। ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल्स। हमारी बॉडी में ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ये एंडोक्राइन बॉडीज मिलती हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह पूरी तरह से काम करती हैं, जो भी मैंने अभी नाम लिए, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, एड्रिनल, पैराथायराइड, एवरीथिंग। बट हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन भी हैं जो एंजाइम्स निकालने के साथ साथ में हार्मोन्स भी निकालते हैं, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो आपका है, गैस्ट्रिन हार्मोन और ऐसी चीज़ें निकालते हैं। हम लोग लास्ट में इसको सुनेंगे, अभी समझेंगे। लीवर, ये भी कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। आपकी किडनी एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करती है। क्या बोला? एरिथ्रोपोइटिन। हार्ट, तो हमारा जो हार्ट है ये भी ANF प्रोड्यूस करता है, आर्टेरियल नैट्री यूरेटिक फैक्टर। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो अदर देन अपना जो फंक्शन है उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं अपने फंक्शन के अलावा। तो चलो हम लोग सबसे पहले किसके लिए बात करेंगे? जो सारे एंडोक्राइन सिस्टम का मास्टर है और मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है, तो हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। बच्चों, जो हाइपोथैलेमस है ना, ये डाइइंसेफलॉन का बेसल पार्ट है। और डाइइंसेफलॉन कहाँ पर मिलता है? फोर ब्रेन में। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? हर लाइन को सुनते हुए ये ज़रूर सोचो कि ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो हाइपोथैलेमस कहाँ मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन आया, तो आप क्या लिखोगे? तो ये हाइपोथैलेमस डाइइंसेफलॉन का बेसल पार्ट है।
पहली बात। दूसरा, ये डाइएन्सेफलॉन किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है। तो आपको पोजीशन समझ में आ गई हाइपोथैलेमस की, और ये पूरी बॉडी फंक्शन को बहुत डिटेल्ड फॉर्म में रेगुलेट करता है। एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, बहुत गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ न्यूरोसेंसरी और न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं, और इन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के ग्रुप को हम न्यूक्लियोलाई बोलते हैं। जैसे न्यूक्लियस होता था ना, वैसे ही वो एक की बात करते थे, ऐसे ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियोलाई है ना। तो ये जो न्यूक्लियाई हैं, ये न्यूरोसेंसरी सेल्स के ग्रुप हैं, और ये हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं, और ये हार्मोन पिट्यूटरी में जाकर रिलीज करते हैं, और वो भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। राइट, कहाँ पर? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये रिलीज करते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पिट्यूटरी हार्मोन की सिंथेसिस और सेक्रेशन को हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स निकलते हैं बच्चों, वो दो तरह के होते हैं। एक जो पिट्यूटरी से कुछ रिलीज करवाए, तो उसको रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रेशन को जो बढ़ाते हैं। और एक इनहिबिटरी हार्मोन, जो पिट्यूटरी हार्मोन के सेक्रेशन को रोकते हैं या फिर कम करते हैं। तो रिलीजिंग हार्मोन बोला और इनहिबिटरी हार्मोन बोला। देयर आर टू टाइप ऑफ हार्मोन्स जो कि हाइपोथैलेमस निकालता है। पहला रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा क्या बोला मैंने, इनहिबिटरी हार्मोन। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं तुम लोगों को, बहुत ध्यान से सुनना। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या है? नाम से समझ में आया, रिलीजिंग हार्मोन। एक ऐसा हार्मोन जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज करवाएगा पिट्यूटरी से। अब क्वेश्चन ये है कि गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स क्या हैं? ये पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, जैसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको मैंने FSH बोला, या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको मैंने LH बोला। इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं क्या, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, जो गोनाड से रिलेशन रखते हैं, उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेशन रखते हैं। तो ये रिलीजिंग हार्मोन भी निकालता है हाइपोथैलेमस, और ये इनहिबिटरी हार्मोन भी निकालता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया GnRH का, जो कि एक रिलीजिंग हार्मोन है। उसी तरह से एक एग्जांपल और भी मैं आपको बताऊंगा, इनहिबिटरी हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम क्या है, सोमैटोस्टैटिन। ये सोमैटोस्टैटिन जाकर पिट्यूटरी में ग्रोथ हार्मोन के सेक्रेशन को क्या करेगा, रोक देगा। तो जब आदमी की ग्रोथ एक लिमिट के बाद जो बंद होती है भाई, 18 साल तक ही कोई एज में मतलब उसकी ग्रोथ हो रही है, हाइट बढ़ रही है, 19 हो गई, बहुत ज़्यादा तो 20 हो गई, बट उससे ज़्यादा उसकी हाइट नहीं बढ़ती। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम के बाद से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाते हैं। तो जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाते हैं, इट इज़ ओनली ड्यू टू सोमैटोस्टैटिन। इट इज़ ओनली ड्यू टू सोमैटोस्टैटिन। तो ये एक इनहिबिटरी हार्मोन है। दूसरी चीज, हाइपोथैलेमस के जितने भी हार्मोन्स हैं, वो हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, और बच्चों ब्रेन बनता है न्यूरॉन से, तो हाइपोथैलेमस के जितने भी हार्मोन्स हैं वो न्यूरो हार्मोन्स बोले जाएंगे, या न्यूरो केमिकल्स बोले जाएंगे। और ये बनते उसके न्यूक्लियाई में हैं, जो साइटोन पार्ट है, सेल बॉडी है, जो हेड पार्ट है, और रिलीज होते हैं कहाँ से, नर्व एंडिंग से, एग्जॉन से होते हुए वो कहाँ पहुँच जाएंगे, नर्व के लास्ट में पहुँच जाएंगे, और वहाँ से वो रिलीज होते हैं। अब अगर हाइपोथैलेमस में कोई भी चीज़ बनी, तो वो पिट्यूटरी तक कैसे पहुँचेगी? तो उसके लिए जो ब्लड सर्कुलेशन है इन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, उसको बोलते हैं हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। उसके लिए वर्ड क्या है बच्चों, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम पिट्यूटरी के आगे वाले पार्ट को, पिट्यूटरी में दो पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और पीछे वाले को बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो आगे वाले पार्ट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो आपसे पूछा जाए कि हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम कंट्रोल विच पिट्यूटरी, तो आपको आंसर क्या देना है, जी एंटीरियर पिट्यूटरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पोस्टीरियर पिट्यूटरी
कुछ खुद नहीं बनाता। वहां पर डायरेक्टली, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वहां पर डायरेक्टली कौन रिलीज करता है अपने कंटेंट को? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के जो हॉर्मोन्स हैं वो वहीं बनेंगे, और रिलीज कहां होंगे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसको स्टोर करेगा और उसको फर्दर आगे रिलीज करेगा। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद से कुछ भी सिंथेसाइज नहीं करता, वो सिर्फ स्टोर करता है और फिर रिलीज करता है। आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर फॉर्म में समझ में आनी चाहिए, राइट? अब जो हम बात करने वाले हैं ये हाइपोथैलेमस की हो गई है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको मैंने बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्टेड है किससे? हाइपोथैलेमस से। और हाइपोथैलेमस के जो भी कंटेंट हैं वो कंटेंट आपको रिलीज होकर आ रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। अगर मैं बात करूं पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो आपके ब्रेन में एक बोनी कैविटी है। उस बोनी कैविटी का नाम है बच्चों सेला टर्सिका। ये जो सेला टर्सिका एरिया है, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड है। और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हाइपोथैलेमस से ये जुड़ा हुआ है तो कैसे? याद रखें, बोनी कैविटी जिसका नाम है सेला टर्सिका, वहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है और उसके जस्ट ऊपर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर गया है, उसको बोलते हैं स्टॉक, और इसी स्टॉक की हेल्प से ये जुड़ा हुआ है हाइपोथैलेमस से। ये बात क्लियर है? पिट्यूटरी के एनाटॉमिकली दो पार्ट होते हैं। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर वाइज बात करूं, अंदरूनी स्ट्रक्चर की बात करूं, अंदर के स्ट्रक्चर की बात करूं, जिसको हम एनाटॉमी बोलते हैं, तो एनाटॉमिकली पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरा न्यूरोहाइपोफाइसिस, है ना? एडिनोहाइपोफाइसिस का मतलब होता है आगे वाली पिट्यूटरी, और न्यूरोहाइपोफाइसिस का मतलब हुआ पीछे वाली पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब जो आगे वाला हाइपोफाइसिस है, जिसको हम लोगों ने बोला क्या, एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर एडिनोहाइपोफाइसिस, इसके भी फर्दर बच्चों दो पार्ट है, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया। जो फूला हुआ नीचे का पार्ट है उसको हमने बोला क्या, पार्स डिस्टालिस, राइट? ओरिजिनली पार्स डिस्टालिस ही है जो एंटीरियर पिट्यूटरी कहलाता है। बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, और जहां कंफ्यूजन हो आप एनसीईआरटी भी सामने रख लेंगे तो आपको पढ़ते हुए समझ में अच्छा आएगा कि अच्छा इस लाइन का मतलब ये होता है। पढ़ना हमें ही है, सब कुछ हमें करना है, मेहनत हमें करनी है, हार्डवर्क हमें करना है, क्योंकि डॉक्टर भी हमें ही बनना है, प्रीफिक्स ऑफ डॉक्टर भी हमारे आगे ही लगेगा, राइट? इसलिए हार्डवर्क से कभी भी जरा सा भी ना चूकें। अगली बात, एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम GH शॉर्ट में बोलते हैं, प्रोलैक्टिन, जिसको हम PRL बोलते हैं शॉर्ट में, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम TSH बोलते हैं शॉर्ट में, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट में ACTH बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट में LH बोलते हैं, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम FSH बोलते हैं। ये सारे हार्मोन्स कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी में। बनते भी यही हैं, सिंथेसाइज भी यही होते हैं और रिलीज भी यहीं से होते हैं, ठीक है? पार्स इंटरमीडिया एक जगह है जो एडिनोहाइपोफाइसिस, जो आगे की पिट्यूटरी है, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है न्यूरोहाइपोफाइसिस, उनके बीच में एक एडिशनल एरिया है जो कि मैमल्स में तो आगे जाकर फ्यूज हो गया है, लेकिन बाकी एनिमल्स में ये चीज़ नहीं फ्यूज हुई है, और इसका नाम क्या है? पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया में बच्चों एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, उस हार्मोन का नाम क्या है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपको पता है जो आपकी स्किन है उसका कलर डार्क है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में मेलानिन पिगमेंट बहुत ज़्यादा है, और अगर वो बहुत लाइट है इसका मतलब मेलानिन पिगमेंट आपकी बॉडी में कम है, जिसको हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं वो गोरा है और वो काला है। इसका मतलब क्या हुआ? मेलानिन ज़्यादा है तो वो काला है, मेलानिन कम है तो वो गोरा है,
ठीक है। अब उस मेलानिन को बनाने के लिए जो सेल्स होते हैं, उस सेल का नाम होता है मेलानोसाइट, और वो जो मेलानोसाइट है उसको ज़्यादा मेलानिन सेक्रेट करने के लिए जो हार्मोन होता है रिस्पॉन्सिबल, उसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये प्रोड्यूस कौन करता है? पार्स इंटरमीडिया। ये प्रोड्यूस करने वाले का नाम क्या है? पार्स इंटरमीडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बात को ध्यान से समझिए। तो आपको ये याद हो गया, पार्स इंटरमीडिया मैमल्स में हमारे अंदर ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस से। किससे जुड़े होते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस से। ये बात आपको याद होनी चाहिए। जब मैं बात करूं पार्स नर्वोसा की, इसको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोल रहे हैं। तो तीन नाम हो गए, न्यूरो हाइपोफाइसिस, पार्स नर्वोसा और तीसरा नाम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और जो भी हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिंथेसाइज होता है वो आकर स्टोर होकर यहाँ से रिलीज होता है, कहाँ से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और वो दो हार्मोन कौन से हैं जो स्टोर भी यहीं से होते हैं और रिलीज भी यहीं से होते हैं? उनका नाम है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ठीक है, ये दो हार्मोन्स हैं। तो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का सिंथेसिस ओरिजिनली कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में होता है, सिंथेसिस की बात कर रहे हैं। और एग्जॉन के थ्रू ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पहुंचा दिए जाते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब चलिए चलते हैं उन हार्मोन्स की जो पिट्यूटरी प्रोड्यूस करता है और उनके ज़्यादा सेक्रेट होने से क्या होगा। जैसे ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन का नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपकी बॉडी में जो ग्रोथ है दैट इज़ ड्यू टू व्हाट? ग्रोथ हार्मोन, ये वर्ड याद रखेंगे। तो ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा सेक्रेट हो जाए तो बॉडी की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है और आदमी ये बड़ा सा दिखता है, लंबा सा चौड़ा सा। आपने वो खली देखा है, द ग्रेट खली जो फाइट करता है, WWE फाइट बोलते हैं ना, तो पंजाब पुलिस में भी उसको भर्ती कर लिया है, राइट? तो काफ़ी बड़ी साइज, बड़ा साइज हो जाता है बॉडी का, नॉर्मल नहीं दिखता है, उसको बोलते हैं जाइगेंटिज्म, जायंट बोलते हैं ना, जायंट वो दानवाकार, दानव, बिल्कुल वैसा ही, तो वहीं से ये वर्ड लिया, जाइगेंटिज्म। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन अगर कम सेक्रेट हो तो क्या होगा? तो उसकी वजह से बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है और उसको बोलते हैं बच्चों पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। एक होता है जेनेटिक डॉर्फ, आप लोगों ने मेंडल वाले में पढ़ा होगा, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर वही पढ़ाऊंगा। तो आपके नीट की तैयारी के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि जब मैं आपको ये सारी चीज़ें करवा रहा हूँ तो आपको रिवीजन करने में ये बहुत हेल्प करने वाला है, राइट? सो जब भी ग्रोथ हार्मोन कम सेक्रेट होगा तो क्या होगा? डॉर्फ हो जाएगा पर्सन। और इसको डिफ्रेंशिएट करना है जेनेटिक डॉर्फनेस से, तो हमने इसका नाम क्या ले लिया? पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। अगर अगली बात करते हैं, अगर हम बात करें प्रोलैक्टिन की, तो एक हार्मोन प्रोलैक्टिन भी है जिसको हमने शॉर्ट में PRL बोला था। प्रोलैक्टिन फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करवाता है, तो जो ब्रेस्ट का साइज है वो बड़ा होगा, है ना, ड्यूरिंग प्यूबर्टी से लेकर एडल्टहुड तक, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका साइज और बड़ा होगा। क्यों होगा? इसको बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिस्टमेटिक समझना है, क्योंकि हम फ्यूचर में डॉक्टर बनने वाले हैं, यस, तो हर चीज़ को हम बहुत ही सिस्टमेटिक, ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उनको काफ़ी कंसेप्चुअली समझना है। मेमोरी ग्लैंड का साइज अगर बड़ा है तो उससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन, क्योंकि उसके अंदर जो मिल्क रिलीजिंग कंटेंट है या जो पार्ट है वो स्टोर होगा एल्वेलाई में, और वो ज़्यादा मिल्क स्टोर कर पाएगा, सिंथेसाइज कर पाएगा अगर साइज बड़ा है। और उस साइज को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो कौन है बच्चों? यहाँ पर प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन का काम क्या हुआ? मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ और उसमें मिल्क फॉर्मेशन, इन सब को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोलैक्टिन। अगली बात करते हैं TSH, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायरॉइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि ये थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन बना सके, ठीक। एक और है ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन।
ये स्पेशली जाकर एड्रिनल ग्लैंड और उसमें भी कॉर्टेक्स ग्लैंड पर वर्क करता है और वहाँ से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नाम का स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसाइज भी करवाता है और सेक्रेट भी करवाता है। ठीक, हालांकि और भी हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड, ये सब कुछ वहाँ से रिलीज करवाता है। LH और FSH को कलेक्टिवली मैंने आपको बताया कि इसको गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन बोलते हैं। ये गोनैड्स की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेगा, कौन? FSH और LH। ठीक है, दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन। मेल्स में जो LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, टेस्टिस से एंड्रोजन सिंथेसाइज करवाता है। याद रखेंगे, मेल्स में जो LH है वो क्या करवाता है, टेस्टिस से LH के फॉर्म में एंड्रोजन प्रोड्यूस करवाता है। अब ये जो एंड्रोजन है इसका काम क्या है, FSH की हेल्प से ये स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो मेल्स में जो एंड्रोजन बनेगा है ना, और एंड्रोजन बनेगा तो FSH के साथ में स्पर्म बनाने की प्रोसेस को ये मोटिवेट करेगा, हेल्प करेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसी तरह से फीमेल्स में जो LH है वो फुल्ली मैच्योर्ड फॉलिकल्स से ओव्यूलेशन करवाता है। जो एक फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल है, अगर उसमें LH ज़्यादा डाल दिया जाए तो क्या होगा, उसके अंदर से ओवा रिलीज होगा। इनफैक्ट ओरिजिनली बात करें तो सेकेंडरी ओसाइट प्रोड्यूस होगा। तो ये वर्ड भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, अच्छा अगली बात इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। जैसे ही उसके अंदर से ओवा रिलीज हो गया बच्चों, जैसे ही उसके अंदर से ओवा रिलीज हो गया, डायरेक्टली दैट बिकम कॉर्पस ल्यूटियम, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है यही प्रोड्यूस करेगा क्या, प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन वही है जो एंडोमेट्रियम वॉल को रिटेन करने में हेल्प करता है। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में जो फीटस है, जो बच्चा है, वो यूटरस में ही चिपका रहे, ये कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, प्रोजेस्टेरॉन। ये वर्ड आपको याद होना चाहिए बच्चों, बहुत सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को समझेंगे। अगली चीज़ समझते हैं बहुत ध्यान से। जब मैं बात कर रहा हूँ FSH की, तो FSH का एक और काम है फीमेल में ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाना। जो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनवाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी, और फिर फाइनली वो एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप करवाएगा। तो ये सब कुछ काम, ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ दिस फॉलिकल इज ड्यू टू FSH। ये वर्ड याद रखेंगे। आपको मैंने बताया MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका काम क्या है, ये स्किन की पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है। तो ये भी आप याद रखेंगे पैरेलल में, है ना, मेलानोसाइट से मेलानिन बनवाता है और स्किन की पिगमेंटेशन को रेगुलेट करेगा बच्चों। ठीक है, साथ साथ में अगर मैं आपको बताऊं कि ऑक्सीटोसिन भी एक हार्मोन है, जो मैंने आपको बताया न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन का काम क्या है याद कर लो, रट लो, भूलना नहीं है। ऑक्सीटोसिन हमारी बॉडी में जितनी भी स्मूथ मसल है उन स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। जैसे कि जब बच्चा प्रोड्यूस होने वाला होता है, इसका मतलब पार्चुरेशन है ना, तो पार्चुरेशन के ड्यूरेशन में या फिर लेबर पेन के ड्यूरेशन में यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन भी यही करवाता है ना। साथ साथ में जब मिल्क रिलीज करवाना होता है, देखो मिल्क फॉर्मेशन तो प्रोलैक्टिन ने कर दिया, लेकिन मिल्क बन तो गया, लेकिन उसको रिलीज कौन करवाएगा, तो ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू उसको रिलीज भी करवाता है। और लास्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड में वैसोप्रेसिन किडनी के DCT से, डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसका मतलब जो यूरिन में वाटर का लॉस होना है, दैट इज कॉल्ड एज डायूरेसिस, उसको कम करता है। इसीलिए वैसोप्रेसिन को बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH। अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पीनियल ग्लैंड से स्टार्ट करेंगे बच्चों।